अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आलम अफरोज रोज। आई एम फ्रॉम ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर अकरम, आपने मुझे इनवाइट किया टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए। टुडे माय टॉपिक नेम इज पेप्टिक अल्सर। इंटरप्शन और डिसरप्शन इन द कंटिन्यूटी ऑफ एपिथीलियम इज नाउन एज अल्सर। स्टमक की एपिथीलियम क्यूबॉइडल और पार्शली कॉलमनर होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की सीलिएटेड होती है। अगर स्टमक या ड्यूडिनम की एपिथीलियम में कोई सोर बन जाए, मतलब कोई जख्म बन जाए, तो उसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर इज अ लेयन इन द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, टिपिकली इन स्टमक और ड्यूडिनम, कॉज्ड बाय द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ पेप्सिन एंड स्टमक एसिड। जो पेप्टिक अल्सर बनता है, वो किसी ना किसी स्टमक लाइनिंग में या ड्यूडिनल लाइनिंग में अगर कोई सोर आ जाए, कोई जख्म बन जाए, सिंपली हम उसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और ये बनता है ज्यादातर पेप्सिन और स्टमक एसिड की ज्यादती की वजह से। और 90% ऑफ द केसेस में इसके पीछे जो कॉजेटिव एजेंट होता है, वो होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। अल्सर जो है वो लोअर एसोफिगस में भी हो सकता है, ड्यू टू रिफ्लेक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स एंड रेयरली इन सर्टेन एरियाज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कुदरत ने हमारी बॉडी में बहुत ही खूबसूरत मैकेनिज्म रखा हुआ है। जहां एग्रेसिव फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वहीं पे अल्लाह ताला ने एक डिफेंसिव मैकेनिज्म भी रख दिया है, जो हमें उन एग्रेसिव फैक्टर से बचाता है। अगर हम उन डिफेंसिव फैक्टर्स को देखें, तो उनमें बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं, म्यूकस लेयर आ जाती है, जिसने सराउंड किया होता है हमारे पूरे जीआईटी ट्रैक को, खास तौर पे हमारे स्टमक को इनलाइन किया होता है उस म्यूकस लेयर ने। और वो जो स्टमक के अंदर मौजूद जो एचसीएल है, गैस्ट्रीन एंड पेप्सिन, इस तरह के जो एसिडिक मीडियम है, उससे उसे बचाता है स्टमक की वाल्स को। उसके अलावा म्यूकोजल ब्लड फ्लो एंड एपिथेलियल रेनेवल, ये सारे के सारे हमारी बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म में आ जाते हैं। और जबकि इसी के अगेंस्ट अगर रिग्रेसिव फैक्टर्स की बात करें, तो उसमें एच पाइलोरी बैक्टीरिया, एनसेड्स जो मेडिसन्स होती हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी जो ड्रग्स होती हैं तमाम, बाइल एसिड्स की ज्यादती, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, के तमाम एग्रेसिव फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में। और इसी के अगेंस्ट डिफेंसिव सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होता है कि एक फिजियोलॉजिकल बैलेंस एग्जिस्ट करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस के दरमियान और गैस्ट्रोड्यूडिनल डिफेंस के दरमियान। स्टमक के पाइलोरिक रीजन से एचसीएल की प्रोडक्शन होती है, और इसके अलावा पेप्सिन भी प्रेजेंट होता है फॉर फूड डाइजेशन। मतलब स्टमक का सारा इन्वायरमेंट ही एसिडिक होता है, और जो स्टमक वाल के इर्द गिर्द एक लेयर होती है म्यूकस की, जो इसे एसिडिक मीडियम से बचाती है। तो इस तरह से ये इसका एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट द एसिडिक इन्वायरमेंट। और इस तरह एग्रेसिव और डिफेंसिव मैकेनिज्म में दोनों में ही एक बैलेंस मौजूद होता है। लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीजन, किसी कॉज की वजह से ये बैलेंस बिगड़ जाए, ये इम्बैलेंस हो जाए, तो फिर जख्म बनेगा और अल्सर बन जाएगा। ये इसकी थी थोड़ी सी ब्रीफ पैथोफिजियोलॉजी। अगर हम इसके बात करें कुछ रिस्क फैक्टर्स की, कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, इसकी मेन एटियोलॉजी क्या है अल्सर फॉर्मेशन के पीछे, तो एक तो पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। ये पर्सनैलिटी एसोसिएटेड अल्सर फॉर्मेशंस भी होती हैं। लाइक जिस तरह से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो एग्जाम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गैस्ट्रिक अल्सर या फिर ड्यूडिनल अल्सर्स हो जाते हैं। उसके अलावा देखा गया है एक खास रिसर्च के अकॉर्डिंग, जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है, उनमें भी बहुत ज्यादा इंसिडेंट होता है अल्सर फॉर्मेशन का। बट इसकी जो कॉज है, मेन पीछे रीजन क्या है कि ओ जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, उनमें क्यों इसकी रेशो ज्यादा है, लेकिन वो अभी तक अननाउन है, उसका कॉज अभी हमें पता नहीं है। लेकिन ये एक स्टडी मौजूद है कि जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है, उनमें इसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। उसके अलावा स्मोकिंग इनटेक, अल्कोहलिक इनटेक, और जो इन्फेक्शन हो जाता है एच पाइलोरी की वजह से, 90% ये बैक्टीरियम इन्फेक्शन की वजह से होता है। और जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है, वो पास होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू ओरल फीकल रूट। मतलब अगर आप कोई पर्सन है, वो वॉशरूम यूज करने के बाद उसने अपने प्रॉपर हैंड वॉश नहीं किए, और वो उसी तरह से जो है खाना खा लेता है या किसी से हैंड शेक करता है, तो समझे कि उसने वो अपने जर्म्स उसको सेकेंड पर्सन को उसने ट्रांसफर कर
होती हैं, और अगर वो भी बंदा जो है प्रॉपर हैंड वॉश करके खाना नहीं खाएगा तो ये जर्म्स उसके अंदर जाएंगे और जाके वो पेप्टिक अल्सर को कॉज करेंगे। तो ये है एच पायलोरी इन्फेक्शन के हवाले से। उसके अलावा इसमें एज फैक्टर भी देखा गया है, खास तौर पे जो ड्यूडिनल अल्सर्स होते हैं ये उनमें ज़्यादा रुझान होता है जिनकी उम्र 30 से 40 साल के दरमियान की होती है। उसके अलावा जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो 50 साल की ऊपर जिनकी एज हो जाती है उनमें ज़्यादा चांस होता है गैस्ट्रिक अल्सर के होने का। जेंडर वाइज अगर हम देखें तो ड्यूडिनल अल्सर जो है उनमें जो ओल्डर वुमेन्स हैं उनमें ज़्यादा चांस होता है एज़ कम्पेयर टू गैस्ट्रिक अल्सर। और जेनेटिक फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। फैमिली हिस्ट्री अगर इसमें है तो ऑब्वियस है कि ये नेक्स्ट जनरेशन में भी ये अल्सरेशन का प्रॉब्लम हो सके। उसके अलावा अदर फैक्टर्स अगर सिंपली देखें तो उसमें कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स, एनजाइटी, डिप्रेशन, तो ये भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लाइफस्टाइल में अगेन वो मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें स्मोकिंग, एसिडिक ड्रिंक्स और मेडिकेशंस वगैरह इसमें शामिल होती है। अब इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसकी तीन मेन टाइप्स होती हैं। एक होता है एसोफेजियल अल्सर, एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर, एक होता है ड्यूडिनल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर वो अल्सर होता है जो हमारे स्टमक में कोई सोर बन जाए तो उसे हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, और इसमें जो स्टमक के अंदर अल्सर जहाँ पे बनता है वहाँ पे ज़्यादातर ये लेसर कर्वेचर वाली साइड को चूज करता है, वहाँ पे ये ज़्यादा एरिया डैमेज होता है। उसके अलावा अगर ड्यूडिनल अल्सर की बात करें तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पोर्शन होता है उसे हम ड्यूडिनम कहते हैं। अगर ड्यूडिनम में कोई सोर फॉर्मेशन हो जाए, वहाँ पे जख्म आ जाए तो उसे हम ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं, और अगर लोअर एसोफिगस में इसी तरह का सोर बन जाए तो उसे हम एसोफेजियल अल्सर कहते हैं। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ अल्सर होते हैं, पेप्टिक अल्सर का ही ये पार्ट होते हैं। अगर हम इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें, अगर इसके सिंपल एक जनरल सिम्टम्स की बात करें तो ये जो पेशेंट है वो प्रेजेंट करता है विद रेट्रोस्टर्नल बर्निंग। स्टर्नम के नीचे उसको बर्निंग होगी, वहीं पे उसने अपना हैंड प्लेस किया होगा कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे पेन भी होती है और साथ में बर्निंग भी है। उसके साथ साथ इसमें हमने देखना होता है, अपना डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना होता है कि इसको ड्यूडिनल अल्सर है या गैस्ट्रिक अल्सर है। तो उसमें कुछ डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ड्यूडिनल अल्सर होता है वो ज़्यादातर इसमें 30 to 40 years की एज इन्वॉल्व होती है। गैस्ट्रिक अल्सर में 50 to 60 एज वाले ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ड्यूडिनल अल्सर जो है ज़्यादा इफेक्ट करता है यंग मेल्स को, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है फीमेल्स को। ऑक्यूपेशन के हवाले से अगर इनकी इनमें हम डिफ्रेंशिएशन करना चाहें तो ड्यूडिनल अल्सर ज़्यादातर स्ट्रेस जॉब की वजह से होता है। अगर कोई पर्सन है उसकी जॉब इस तरह की है, ऑक्यूपेशन इस तरह की है कि उसको बहुत ज़्यादा उसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है, उसकी वजह से हो सकता है, या कोई स्टूडेंट है उसको एग्जाम स्ट्रेस है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको ड्यूडिनल अल्सर हो। अदरवाइज गैस्ट्रिक अल्सर भी इसी तरह से ही सेम है। उसके साथ साथ अगर पेन के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस करना चाहें तो ड्यूडिनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर दोनों में ही पेन एपिगैस्ट्रियम रीजन में होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो ड्यूडिनल अल्सर है उसमें एपिगैस्ट्रियम पेन होगी, डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होगा कि वो ही पेन टुवर्ड्स बैक रेडिएट करेगी। मतलब पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि वो मिड पॉइंट पे अपना हाथ रखेगा एपिगैस्ट्रियम रीजन में, कि यहाँ पे पेन भी होती है, बर्निंग भी होती है, प्लस वो जो पेन है वो उसको पीछे बैक में भी फील होती है। तो ये बहुत ज़्यादा हाईली चांस हो है कि पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर हो। अगर हम इसके ऑनसेट की बात करें पेन की हिस्ट्री की, तो इसमें जो ड्यूडिनल अल्सर है उसकी पेन होती है खाने के कोई 2 से 3 आवर्स के बाद, या फिर यूजुअली मिड नाइट में, आधी रात को पेशेंट को इसकी पेन हो सकती है। जबकि जो गैस्ट्रिक अल्सर की पेन है वो इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग होती है। पेशेंट इधर से खाना खाएगा और उधर से उसको पेन स्टार्ट हो जाएगी, और वो भी यही बात सोचेगा कि मैंने गलती कर ली है खाना खा के, और वो आपको सेम इसी लैंग्वेज में आपको वो अपनी तकलीफ भी बात बयान करेगा कि डॉक्टर साहब जब भी मैं खाना खा लेता हूँ या खा लेती हूँ तो मेरे फौरन से पेन स्टार्ट हो जाती है। तो एक ये भी हमारा हो सकता है कि इसको गैस्ट्रिक अल्सर हो। उसके अलावा अगर बात करें कि पेन किन किन फैक्टर से एग्रेवेट करती है, जो ड्यूडिनल अल्सर का जो पेशेंट होता है वो हंगर पोजीशन में बहुत अनकंफर्टेबल होता है। जब उसको भूख लगेगी इस तरह के मरीज को तो उसको ज्यादा
पेन होगी, लेकिन जैसे ही वो कुछ खा लेगा तो वो पेन रिलीव हो जाएगी, पेन में उसको थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। लेकिन उसी के बरक्स अगर हम गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट को देखें तो इसमें अगर वो खा लेगा, खाना खाने के बाद उसको बहुत ज्यादा पेन होगी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा लेट जाएगा या फिर वॉमिट कर देगा, मतलब जो खाया हुआ है उसको बाहर निकाल देगा, तो उसको उसमें ज्यादा सुकून मिलेगा, पेन रिलीव होगी। अगर ड्यूडेनल अल्सर में हम इसका ड्यूरेशन देखें तो इसका ड्यूरेशन 1 to 2 months का हो सकता है, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर का इसमें फ्यू वीक्स का ड्यूरेशन होता है। ड्यूडेनल अल्सर में वॉमिटिंग का होना अनकॉमन है, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर का ये बहुत ही कॉमन फीचर है, वॉमिट का आना। और जैसे ही पेशेंट वॉमिट करेगा तो उसकी पेन में भी रिलीव आएगा। ड्यूडेनल अल्सर के जो पेशेंट्स की एपिटाइट जो होती है वो गुड होती है, क्योंकि वो जब खाना खाते हैं तो उसी से उनकी पेन भी ठीक होती है, तो वो खाना तो खा लेते हैं। अब चूंकि खाना खा लेते हैं तो उनका न्यूट्रिशन लेवल पूरा होता है, तो इसमें वेट लॉस वाला भी सही नहीं होता। लेकिन उसके अगर हम अगेंस्ट गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट्स को देखें तो वो ये पेशेंट अफ्रेड टू ईट होते हैं, मतलब उनका फियर होता है कि हम खाना खाएंगे तो पेन शुरू हो जाएगी, वो इसी वजह से खाना भी नहीं प्रॉपर खा पाते और इसी वजह से वो एनीमिक भी हो जाते हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है और वेट लॉस की तरफ चले जाते हैं। और अगर इनकी डाइट की बात करें तो ड्यूडेनल अल्सर के पेशेंट्स की डाइट फिर भी ठीक होती है एज कम्पेयर टू गैस्ट्रिक अल्सर। अच्छा, इनमें जो एक अगर अल्सर जो है, अगर तो ये नॉर्मल लेवल का भी है, स्टार्टिंग उसकी है सोर फॉर्मेशन की, तो उसमें तो इतने सीवियर सिम्टम्स डेवलप नहीं होते। लेकिन अगर पेशेंट की हिस्ट्री क्रोनिक है, उसको बड़े लॉन्ग टाइम से ये चला आ रहा है, 1-2 माह हो गए हैं वो इसी तकलीफ में है, तो अब मे बी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस पैदा होना शुरू हो जाए, तो उसमें सिम्टम्स मजीद सीवियर हो जाते हैं। अब उसमें जो सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं उसमें दो चीजें ऐड हो जाती हैं, एक हेमेटमेसिस और एक मेलेना। हेमेटमेसिस कहते हैं जब वॉमिट के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाए, मतलब वो जो सोर है वहां से ब्लीडिंग होगी और वो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसके साथ ही साथ वोमिटिंग के साथ ब्लड भी आएगा। और जो मेलेना होता है वो कहते हैं ब्लड इन स्टूल, ये टर्म हम उसके लिए यूज करते हैं जब स्टूल के अंदर ब्लड आए, तो उसे हम वर्ड मेलेना का यूज करते हैं। तो अगर हम ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में इन दोनों चीजों को देखें तो ड्यूडेनल अल्सर में हेमेटामेसिस के चांसेस 40% होते हैं, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर में 60% चांसेस होते हैं। और ड्यूडेनल अल्सर के पेशेंट्स में 60% चांसेस होते हैं मेलेना के, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर में 40% चांसेस होते हैं मेलेना के। अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस को देखें कि मतलब आपके पास पेशेंट आया है, आपने उसकी हिस्ट्री से पता लगा लिया है कि पेशेंट को मे बी अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, तो उसको कंफर्म हम किस तरह से करवाएंगे, तो उसके लिए स्टूल एग्जामिनेशन होता है फॉर फीकल ऑकल्ट ब्लड, ये टेस्ट करवाया जाता है जिसके थ्रू आप कंफर्म कर सकते हैं कि इसको पेप्टिक अल्सर है नहीं है, और अगर है तो उसकी रीजन पीछे क्या है, कॉज क्या है। उसके अलावा सीबीसी करवाई जाती है फॉर टू एनालाइज डिक्रीज इन ब्लड सेल्स। उसके अलावा कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिसमें एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स आ जाते हैं। एंडोस्कोपी में ये हो जाता है कि जो फिजिशियन होता है वो डायरेक्ट विजुअलाइज कर लेता है अल्सर को, और एट द सेम टाइम जो एंडोस्कोपी है वो एज अ थेरापूटिक भी काम आ जाती है और एज अ डायग्नोस्टिक पर्पस भी काम आ जाती है। मतलब तो जब एक फिजिशियन एंडोस्कोपी करता है तो एक तो उसने देख लिया कि अल्सर है, और अगर अल्सर की वजह से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, मतलब कोई आगे कोई स्ट्रिक्चर वगैरह बना हुआ है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो एंडोस्कोपिकली ही वहीं पे रिमूव हो जाती है। तो इसी तरह से ये दो तरह का आपको फायदा दे जाता है एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, ये एक तरह का थेरापूटिक भी होता है और डायग्नोस्टिक भी होता है। और इसी के साथ साथ अगर आपको है कि मे बी इसमें एच पाइलोरी इन्वॉल्व है, इसका कॉज मेन बैक्टीरिया है, तो फिर एंडोस्कोपी के थ्रू हम वहीं से सैंपल भी ले लेते हैं, जिसे हम सिंपली बायोप्सी कहते हैं, जिसमें हम टिश्यू जाके अंदर से उसके रिमूव कर लेते हैं कुछ एज अ सैंपल, और जब उसको लैब में चेकआउट करवाएंगे तो उसमें अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है कि पेशेंट के एच पाइलोरी है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करते हैं। उसके अलावा बेरियम स्वेलो, अगर लोअर एसोफेगस इन्वॉल्व है तो उसमें बेरियम स्वेलो करवा लिया जाता है, और अगर हमें है कि इसमें इसका स्टमक इन्वॉल्व है तो उसमें बेरियम मील भी करवाया जाता है, जिसमें ये एक तरह का एक्सरे होता है जिसमें आप को विजुलाइज होते हैं तमाम स्ट्रक्चर्स ऑफ द अपर जीआईटी ट्रैक। उसके अलावा एक और टेस्ट भी होता है जिसे हम कहते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्टिंग, उसमें भी ये भी असल में एच पाइलोरी को ही डिटेक्ट करने के लिए ये यूरिया ब्रेथ का टेस्ट होता है, और इसमें हम जो पेशेंट होता है उसको कार्बन एनरिच्ड यूरिया सॉल्यूशन
इसकी ड्रिंक करवाते हैं, इसे ये पिलाते हैं, और जब वो एक्सहेल करता है, अपनी सांस बाहर निकालता है, तो उसे उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार होती है उसको हम मेयर कर लेते हैं, जिससे हमें ये एक यूरिया ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम एच पायलोरी को डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, अब कौन से ऐसे अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं जिनमें एंडोस्कोपी रिक्वायर्ड होती है? उसमें डिस्फेजिया आ जाता है, उसमें वेट लॉस आ जाता है, वोमिटिंग होती है, एनोरेक्सिया, हेमेटोमेसिस, एंड मिलेना वगैरह। अगर आप इन तमाम फीचर्स में से कोई एक भी सिम्टम देखते हैं तो वह एक हमारे लिए अलार्मिंग साइन है फॉर एंडोस्कोपी, ताकि एंडोस्कोपी करवाई जाए टाइमली पेशेंट की और पता चल सके कि एग्जैक्ट अल्सर की लोकेशन किधर है, और हम उसे ट्रीट अगर उधर ही कर सकते हैं तो उधर कर दें, अदरवाइज तो उसको हम बायोप्सी का सैंपल लेके टेस्ट वगैरह करवा के हम उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करते होते हैं। अगर हम इसकी पेप्टिक अल्सर की कुछ कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं? नंबर वन पे हेमरेज हो सकती है, सेकंड वन परफोरेशन हो सकती है, एंड थर्ड वन कोई नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो सकती है स्टमक के पाइलोरिक एंड में। अगर इसकी हम मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले इसकी यही है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इस तरह के पेशेंट के लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं किया जाएगा, मेडिसिन भी किसी काम की नहीं होंगी। जब तक पेशेंट ट्रीटमेंट लेगा तब तक तो ठीक है, जैसे ही वो अपने ट्रीटमेंट को क्विट करेगा अगेन सेम उन्हीं सिम्टम्स में वो दोबारा चला जाएगा। जब तक आप उसके लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे कोई भी ट्रीटमेंट काम का नहीं रहेगा। उसके अलावा हमने कुछ ऐसी ड्रग थेरेपीज देनी होती है जिसमें जो हाइपोसिक्रीटरी नेचर होती हैं, जिससे एसिड की प्रोडक्शन कम हो। उसके अलावा अगर एच पायलोरी पेशेंट का पॉजिटिव है तो हमने एच पायलोरी इरेडिकेशन थेरेपी देनी होती है, और अगर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है, मतलब कोई हेमरेज है, परफोरेशन है, या फिर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन हो गई है, तो उसमें सर्जरीज रिक्वायर्ड होती हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में कौन सी चीजें आ जाती हैं? आपने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, ड्रग हिस्ट्री, अगर उसमें कोई भी एनसेड ड्रग्स वो यूज कर रहा है लाइक पैनाडोल, एस्पिरिन, ब्रूफेन, ये तमाम ड्रग्स जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, अगर इनमें से कोई भी वो यूज करा आप उसको डिसकंटिन्यू करवाएं। अगर वो स्मोकर है तो उसकी स्मोकिंग को की सजेशन करवाएं। अगर वो अल्कोहल इंटेक करता है तो उसकी सजेशन करवाएं। और अगर किसी वजह से उसको स्ट्रेस है तो उसके रिडक्शन होना बहुत ज्यादा अहम है। अगर हम कुछ हाइपोसिक्रेटरी ड्रग्स की बात करें, मतलब कौन सी ऐसी मेडिसिन देनी होती हैं, इसमें क्या गोल होता है? बेसिकली इसमें गोल ये होता है कि हमने एसिड प्रोडक्शन, पेप्सिन और जो स्टमिक एसिड्स हैं इनकी तादाद को मिनिमाइज करना होता है, इसमें मेन गोल ये होता है। तो उसके लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं वो होती हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स दिए जाते हैं पेशेंट्स को, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दिए जाते हैं जिसमें जेंटेक आ जाता है, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, हिस्टामीन की स्टिमुलेशन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक सिक्रीशंस भी ब्लॉक हो जाती हैं। उसके अलावा कुछ एंट एसिड्स दिए जाते हैं जो कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसमें और पेप्सिन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और ये यूजुअली खाने के 2 घंटे के बाद देने होते हैं एट द बेड टाइम। और इसमें बेस्ट एंट एसिड्स अगर हम बात करें तो हमारी नेचर में मिल्क इज वेरी गुड एंट एसिड, बहुत ही अच्छा काम करता है बर्निंग के खिलाफ जो है मिल्क, दूध जो है। उसके अलावा शरबते पुदीना है हर्बल में, वो इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके अलावा इनमें प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स दिए जाते हैं, कुछ म्यूकोजल बैरियर फोर्टिफायर्स दिए जाते हैं जैसे कि सुक्राल फेट एलोपैथिक मेडिसिन में है। और अगर हम हर्बल की बात करें तो इसमें मुलट्ठी बहुत अच्छी एक चीज है। मुलट्ठी क्या करती है, वो एक स्टमक के इर्द गिर्द एक आर्टिफिशियल लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से स्टमक वाल्स के ऊपर एसिड का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, और जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता तो अल्सर को भी हील होने में हेल्प होती है। और अगर हम एच पायलोरी इरेडिकेशन थेरेपी की बात करें, अगर पेशेंट का जो रीजन है, कॉज है, वो एच पायलोरी बैक्टीरिया है, तो उसमें सिंपली ट्रिपल जीम थेरेपी दी जाती है, जिसमें 2 एंटीबायोटिक्स इन्वॉल्व होती हैं और 1 एंट एसिड दिया जाता है। और जो यूजुअली एंटीबायोटिक्स होते हैं, या तो मेटोनिडाजोल और क्लिथ्रोमाइसिन का कम्बिनेशन करवा देते हैं, या फिर क्लिथ्रोमाइसिन और इमोक्सिसिलीन का कम्बिनेशन करवा दिया जाता है, या और साथ में कोई भी प्रोटोन पंप इनहिबिटर दे देते हैं लाइक कोई मेप्राजोल, पेंटोप्राजोल वगैरह, इस फैमिली की कोई भी चीज़, इसोमेप्राजोल वगैरह हो गया, तो इनका यूज़ करवाया जाता है। या फिर हर्बल में कोई ऐसी प्रोडक्ट जो इस बैक्टीरिया की इरेडिकेशन में हेल्प
हेल्पफुल हो तो आप वो यूज करवा सकते हैं उसके अगेंस्ट। और सर्जिकल ट्रीटमेंट उस पॉइंट पे आके करवाया जाता है जब आपने पेशेंट को पहले मेडिकल थेरेपी दी है, अब लेकिन वो उसका कोई असर नहीं हुआ, मेडिकल थेरेपी आपकी फेल हो गई है, तो फिर ऐसे में सर्जिकल ट्रीटमेंट एक ऑप्शन रह जाता है। या फिर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुकी है, लाइक कोई स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन हो गई है, परफोरेशन हो गई है, या फिर हैमरेज वगैरह है, या फिर गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो है वो बहुत उनका लेवल बहुत ज्यादा हाई है, तो ऐसे में भी जो मेन प्रिंसिपल होता है सर्जरी का, तो वो भी यही होता है कि स्टमिक एसिड को रिड्यूस करना है और पेप्सिन की सिक्रीशंस को कम करना है। उसके लिए जो सर्जरीज करवाई जाती हैं उनमें नंबर 1 पे गैस्ट्रो एंट्रोस्टमी एक प्रोसीजर है, वो करवाया जाता है। और इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि जो स्टमक का लास्ट पॉइंट होता है, पाइलोरिक रीजन होता है, उसको कट आउट किया जाता है और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टमक होता है उसको एनाटमोस कर दिया जाता है ड्यूडनम के साथ। और इस तरह से इसकी जो होती है ओवर सिक्रीशन ऑफ एसिड है उसको काबू किया जाता है। या फिर एक वेगोटमी एक प्रोसीजर है वो किया जाता है जिसमें वेगस नर्व को ही कट कर दिया जाता है। वेगस नर्व क्या काम करती है, ये डायरेक्टली ब्रेन से हमारे स्टमिक की तरफ स्टिमुलेशन भेजती है, मैसेजेस भेजती है एसिड प्रोडक्शन के लिए। तो जब वो वेगस नर्व ही कट हो जाएगी और कोई स्टिमुलाई नहीं आएगा स्टमक की तरफ एसिड प्रोडक्शन के लिए, तो एक इस तरह से भी एसिड सिक्रीशन की एलिमिनेशन हो जाती है और पेशेंट को रिलीव हो जाता है। उसके अलावा पाइलोरोप्लास्टी की जाती है, इसमें जो पाइलोरस एंड होता है उसको वाइड कर दिया जाता है, मतलब उसको मजीद चौड़ा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि खाना ज्यादा देर तक स्टमक में रह नहीं पाता, वो आगे इंटेस्टाइन में चला जाता है और वेगस नर्व की स्टिम्युलेशन की जरूरत ही नहीं इतनी रहती, वो उसकी बगैर ही स्टमक जो होता है वो एम्प्टी हो जाता है बहुत जल्दी। और इस तरह से भी पेशेंट को ये जो है एसिड प्रोडक्शन है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा 2 और प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें एक आ जाता है बिलरोथ 1 एंड बिलरोथ 2। बिलरोथ 1 में क्या किया जाता है, इसमें जो स्टमक का डिस्टल पोर्शन होता है वो रिमूव कर दिया जाता है और जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसको ड्यूडेनम के साथ उसकी एनाटमोसिस कर दी जाती है। जबकि जो बिलरोथ 2 सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें जो लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक है उसको रिमूव करके बाकी का जो पार्ट होता है उसकी एनाटमोसिस ड्यूडेनम के साथ करने की बजाय जेजनम के साथ कर दी जाती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। जजाकल्ला सर।